भोजन के विषय में अनुसंधान करने वाले हॉपकिंस का जन्म सन 1861 में हुआ था। इनके बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया था। इनकी स्कूली शिक्षा भी छात्रावास में रहकर ही पूरी हुई। अनेक कठिनाइयों के बाद इनकी शिक्षा पूरी हुई। शिक्षा पूरी होने के बाद इन्होंने जैव रसायन शास्त्र में कार्य करना प्रारंभ किया। 20 वर्ष की उम्र में इन्हें अपने दादा से कुछ पैसे प्राप्त हुए और इन पैसों से इन्होंने कार्य करना आरंभ किया। हॉपकिंस ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में काम करना आरंभ किया। सन 1903 में उन्होंने अपने शोध पत्रों में चूहों पर प्रयोग करके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और चर्बीयुक्त भोजन का महत्व बताया। इस भोजन में चूहे दीर्घजीवी हो गए। सन 1906 में हॉपकिंस ने विटामिन संबंधी खोजों को प्रकाशित कराया और यह बताया कि शरीर को निरोगी रखने में विटामिनों का विशेष योगदान होता है। 12 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद 49 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना सारा समय जैव रसायन के शोध के कार्यों में लगा दिया। अपने अनुसंधानों के आधार पर उन्होंने यह सिद्ध करके बताया कि भोजन में खमीर मिलाने से इसका स्वाद बेहतर हो जाता है। हॉपकिंस बहुत ही सावधानी से प्रयोग करते थे। इन्होंने भोजन संबंधी अनेक प्रयोग किए। सन 1912 में उन्होंने साधारण भोजन में सहायक तत्वों के महत्व नामक शोध पत्र प्रकाशित किया। इस पत्र में उन्होंने यह दर्शाया था कि सहायक तत्वों का भोजन में विशेष योगदान होता है। हॉपकिंस ने विटामिनों का महत्व बताया और यह भी बताया कि विटामिनों की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। हॉपकिंस ने बताया कि विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए बहुत जरूरी है, विटामिन बी की कमी से मसूड़े कमजोर हो जाते हैं और विटामिन डी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। हॉपकिंस को फादर ऑफ विटामिन्स कहा जाता है। इन्होंने इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं किया। उन्हें आइजक मैन के साथ नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1914 में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जैव रसायन विज्ञान के प्रोफेसर बने। सन 1925 में उन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई। 1930 में वे रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष बने और सन 1933 में वे ब्रिटिश एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। 16 मई 1947 में उनकी मृत्यु हो गई। उस समय उनकी उम्र 86 वर्ष की थी। हॉपकिंस बड़े दयालु व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व बहुत ही सुदृढ़ था। वो सभी को बहुत प्यार करते थे। भोजन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करने वाले, जीवन में स्वास्थ्य और प्रसन्नता देने वाले इस महान वैज्ञानिक को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के तमाम रोचक और अनसुनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को टैग कर दें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे।